नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़, और गाड़ी में बैठ करके आपको ये जानकारी दे रहा हूँ, तो मतलब कि एक बहुत ही अहम जानकारी है। तो जानकारी क्या है वो मैं आपको बता दूं कि एलनाबाद उपचुनाव की जो तारीख है वो निर्धारित हो चुकी है। आखिरकार सरकार ने और चुनाव आयोग ने एलनाबाद उपचुनाव की सुध ले ली है। तो ऐसा मैं अगर बताना चाहूं तो एलनाबाद उपचुनाव की तारीख जो है वो 30 अक्टूबर निर्धारित की गई है, यानी कि 30/10/2021 को एलनाबाद का उपचुनाव होगा। डेट निर्धारित हो चुकी है। लगातार तस्वीरें मैं आपको आपकी स्क्रीन पे जो है वो लगातार दिखा रहा हूँ। आप देखिएगा इसमें कि हरियाणा की एलनाबाद विधानसभा के साथ साथ 30 सीटों पे, अलग अलग राज्यों की 30 सीटों पे अगर बात करें तो चुनाव जो है उपचुनाव वो हो रहे हैं, जिनमें से जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भी शामिल है, वो अलग है, यानी कि कुल 33 सीटों पे जो है वो चुनाव होने हैं। अब ऐसे में अगर बात करूं तो सवाल ये उठता है कि नामांकन पत्र कब भरा जाएगा। 30 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा तो कर दी, लेकिन रिजल्ट कब आएगा? तो आपको बता दूं कि 8 अक्टूबर जो है वो नामांकन पत्र भरने की लास्ट डेट होगी। 8 अक्टूबर तक आप नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद की अगर बात करूँ तो 13 अक्टूबर को आप नामांकन पत्र, अगर कोई वापस लेना चाहता है, अपना कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ना चाहता, तो वो अपना नामांकन पत्र वापस ले सकता है। उसके बाद 30 अक्टूबर को चुनाव होंगे, और 30 अक्टूबर के बाद अगर बात करें तो 2 नवंबर को, यानी कि 1 नवंबर को हरियाणा दिवस है, और हरियाणा दिवस के अगले ही दिन 2 नवंबर को इस चुनाव रिजल्ट की घोषणा होगी कि आखिर कौन चुनाव जीता है, कौन हारा है, किसको कितने वोट मिले हैं। 30 अक्टूबर को चुनाव की डेट जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है। अब जो जो प्रत्याशी हैं वो 8 अक्टूबर तक सामने आ जाएंगे कि आखिर कौन सी पार्टी से कौन सा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, चुनावी मैदान में होंगे। 11 अक्टूबर या 13 अक्टूबर तक कह सकते हैं कि 13 अक्टूबर के बाद जो है वो चुनावी प्रत्याशी पूर्ण तरीके से मैदान में आ जाएंगे, और उसके बाद 2 नवंबर को पता चल जाएगा कि आखिर किस प्रत्याशी की जीत हुई है। खैर, आप इस चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर के, 30 अक्टूबर के चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज चुनाव आयोग की तरफ से एलनाबाद विधानसभा का चुनाव डिक्लेयर किया गया है, इसका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत लंबे समय से एलनाबाद की जनता इस चुनाव का इंतजार कर रही थी। इसके साथ ही मैं एलनाबाद विधानसभा की पूरी जनता से अपील करती हूं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कामों को देखते हुए सबका साथ सबका विकास का जो एक नारा भारतीय जनता पार्टी ने बुलंद किया, और हमारे एलनाबाद विधानसभा में विधायक ना होते हुए भी इतने काम कराए, लेकिन अब की बार हमारा एक नैतिक दायित्व भी बनता है, हमारा फर्ज भी बनता है, और इतने लंबे समय से जो एलनाबाद विधानसभा है वो सत्ता से दूर रही है, इस सारी चीजों को देखते हुए मैं एलनाबाद की पूरी जनता से ये अपील करती हूँ कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी पार्टी की तरफ से जो भी उम्मीदवार आए उसको जिताकर हमें विधानसभा में भेजने का काम करना है।